उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। पिछले 3 दिनों से सदन में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है। सरकार ने भी विपक्ष के तमाम सवाल के जवाब दिए हैं। वहीं नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक के बाद एक कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि पिछले बजट का लगभग 63% पैसा खर्च ही नहीं हुआ है, तो फिर इस बार अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है? आखिर ये अनुपूरक बजट क्यों चाहिए? नया बजट भी आएगा, ये विजनलेस सरकार है, जो कहा वो नहीं करा। ये बीजेपी का असली नारा होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और ही है। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया था, अनुपूरक बजट में कहीं स्मार्ट सिटी का जिक्र तक नहीं किया गया है। अब ये सरकार खुद दिखा रही है कि ये स्मार्ट सिटी नहीं बना पाएगी। ये रोड़ा अटकाने वाली सरकार है। इसलिए जब बड़े बजट से, जो मुख्य बजट था, उससे डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये सप्लीमेंट्री बजट से कौन सा डेवलपमेंट हो जाएगा? हालांकि ये सरकार आंकड़े कम मानती है, लेकिन फिर भी एक प्रतिष्ठित मैगजीन के मैं आंकड़े रखना चाहता हूं। ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में मुझे याद है, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने ये बात रखी गई थी कि प्रदेश का सबसे बड़ा बजट इस बार पेश हो रहा है, और जब सबसे बड़ा बजट पेश हुआ तो आपकी अर्थव्यवस्था जब तुलना होती है और प्रदेशों से, तो आपका स्थान कौन सा है? 18वां स्थान है आपका पूरे देश में। जब प्रदेशों की अर्थव्यवस्था की तुलना होती है तो जो सबसे प्रदर्शन करने वाले राज्य, उसमें उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। और मान लीजिए सरकार ने अगर इतना बड़ा बजट और इतना सहयोग, जो डबल इंजन सरकार बोलती है, तो सुधार तो दिखना चाहिए। लेकिन देश की एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने जब सर्वे किया, उसमें भी सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्यों में अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है आपकी? आपकी 14वें स्थान पर है। ये आंकड़े हम विपक्ष के लोगों के नहीं है, ये प्रतिष्ठित मैगजीन है। मैं जानता था, अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी आंकड़े टेबल किए थे, लेकिन वित्त मंत्री मुझे कौन से किताब का है? वित्त मंत्री हैं आप क्यों गुमराह कर रहे हो मुख्यमंत्री जी को?